हेलो जी, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपके साथ एक और नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, आपकी दोस्त मधुरी। हमारे चैनल को दूसरी जी साड़ी वीडियो ने लाइक कराया करो, सब्सक्राइब कराया करो, तो मेहरबानी करके ना शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों नाल भी। तो मेरे वीडियो ने बहुत ज़्यादा लाइक कराया करो, तो कमेंट्स भी कराया करो मेरे वीडियो पर, ताकि मैं पता चले मेरे भैन भरा मैंने कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मेरी अगे गर्दन नहीं हैगी, थानू पता वा इंज करके मेरी गर्दन नहीं हैगी। तो मैं चाहता कि तुम मैं ज़्यादा ज़्यादा लाइक करो, ताकि मैं बहुते बहुते पैसे कमा सकता, तो अपने जोड़े मेरे छोटे छोटे बच्चे आ जिन्होंने मैं पता नहीं कि आप भी वीडियो तो बना लाता वा, तो थानूं पता होना चाहिए कि उन्होंने भी पैसे कमाने हैं। तो मेरे को रोज़ाना 10-20 रुपये लेके खाते हैं, तो मैं उन्होंने भी खर्चा चुकना होंगे वा। चलें जी, ठीक है, हूँ मैं सुमैरा को चला वा, तो जिदा सुरते हाल होंगे तुम फिर दसदा। पता तो आपको चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ बिना गर्दन वाला इंसान नसरुल्ला वीर के बारे में। मसला ये नहीं है कि वो इंसान है, मसला ये है कि उसकी गर्दन नहीं है। मैं अपनी हर वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि उसकी गर्दन नहीं है, ताकि मेरे बहन भाई उसे सपोर्ट करें। कोई अगर जानता है किसी अच्छे डॉक्टर को, या फिर कोई ऐसा मतलब टोटका कोई, मतलब होती है ना हमारी पुरानी औरतें होती हैं, या आजकल लोग भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इंटरेस्ट लेते हैं चीज़ों में, कोई जानता हो जो ज़्यादा इतनी सी गर्दन बस निकला है ना, उसकी तो काम हो जाएगा। मतलब बिना गर्दन का आदमी है जिंदा फिर रहा है, तो इतनी सी ही निकल जाए, गर्दन होनी चाहिए। कोई हमें ज़्यादा गर्दन की ज़रूरत नहीं है उसकी, तो थोड़ी सी गर्दन होनी चाहिए, निकला है बस गर्दन उसकी ना, ताकि हमें पता उसकी गर्दन है। अच्छा जी, जो बिना गर्दन का आदमी है उसका ए अगर आप प्रोफाइल देखे जाके जो उसकी ने लगाई हुई अपनी, अच्छी करके खड़ा उसमें वो पतला, ठीक है। तब जी यूट्यूब नया नया चला था, पैसे कम थे आते, कमाई ज़रा थोड़ी कम थी, तो वो बेचारा ना मतलब इन्हीं हिसाबों से चला रहा था ना अपने, तो उन दिनों में उसकी सेहत भी थोड़ी डाउन थी। अब ये है कि कमाई बहुत ज़्यादा आने लग गई है, पैसे कमा रहा है, धड़ाधड़ कमा रहा है, तो दिन में 2-3 वीडियो डाल लेता है, तो वो तगड़ा भी हो गया, रज के मोटा ताज़ा हो गया है। अच्छा जी, ये तो बीवी की तो उसको ज़रूरत ही नहीं है जी। अब वो बलून औरत है जो गुब्बारा, आंटी गुब्बारा, आंटी बलून है जो, आंटी बलून की बहन है ये इसकी बीवी, बहुत बड़ा मुँह है इसकी बीवी का भी, तो एंज करके भी जो बैठी होती ना एड्डा तो मुँह ही आ रहा होता उसका अगे, तो खैर डायनासोरों जैसी है, थोड़े थोड़े डायनासोर नहीं होते थे पहले ज़माने में, थोड़ी थोड़ी उनसे मिलती जुलती है। अच्छा, तो ये बात है कि उसने बनाया था अपनी बहन के लिए वो चैनल, तो ये कि चैनल शाम के बह गया था, सापो बन के बह जाना, ये सापो बन के बह गया चैनल पे, अभी तेजी इतना है तो सापो बन के ही बहेगा। अगली बात मेरी ये है, जब भी मैं इनको किसी बात बात पे पॉइंट आउट करती हूँ, मैंने अपनी वीडियो में कहा कि जी ये काम नहीं करता, सारा दिन घर ही रहता है, वो इतना आज उसने दिल पे ले ली है ये बात, इतना ज़्यादा वो उस चीज़ पे हो गया है कि उसने दिल पे लेके बैठ गया, और वो जी सारा दिन आज वीडियो में से दो के पता नहीं 3 वीडियो कल डाली थी कि आज पता नहीं डाली थी उसने, उन वीडियो में जी ये जिक्र करना शुरू कर दिया जी, मैनू जी साइमा पता नहीं क्या नाम है उसकी, सुमैरा, मैनू ना कॉल आ रही है, जिहड़ा मैं पेट्रोल पंप से काम करता सी ना, वो कहते पेट्रोल पंप फिर काम शुरू कर लवा, तो मतलब इतना ज़्यादा उसने दिल पे लिया, तो भाई मैंने तो तुम लोग को अच्छी बात है, तुम लोग वीडियो पे मतलब गौर करते हो, तुम लोग इस बात से सबक ले रहे हो कि ये मतलब क्या कहा जा रहा है हमें, क्या नहीं कहा जा रहा है, मतलब अब वो उसने अच्छा वो बात हो गई कि मैंने पेट्रोल पंप से कह रहे हैं जी काम करना काम करना, तो दूसरी बात उसने ये कर दी कि उसको कोई खेतों से भी कॉल करने लग गया काम के लिए, तीसरी बात ये कि उसने बहुत ज़्यादा दिल पे ले ली, और उसके बाद ये कि उसका एक दोस्त आया था उसके घर में, नसरुल्ला के घर में ना, बिना गर्दन के आदमी गिटकू जी के घर में आया था, गिटकू ने उसको अपने घर में बैठाया था, उसकी भी वीडियो बना ली। अब वीडियो देखिए कंपलसरी है, वीडियो बननी बननी है, आप उनके घर चले जाओ या आपके पास वो आ रहे हैं पेट्रोल दिलवाने आ रहे हैं, या किसी भी आपसे चाहे एक पैकेट वो कैचअप ही लेने आ रहे हैं, तो उन्होंने चटनी बाद खरीदनी है, तो पहले थोड़ी वीडियो बनानी है उन्होंने, ये सोच के आपने उनको मतलब वो हर जगह जाके खुद ही कहता है, बुलेट की एक वीडियो थी तो उसमें उसने कहा था जी ऐसी जितने वीडियो बना जाते हैं, मैंने उन्होंने कहा था ना मैं वीडियो बनानी है, तो जो थे को खरीदारी करनी, तो मैंने उन्हें कहा भाई तुम ना चीज़ें खरीद लो, इदा करियो कि घर जाके वीडियो बना ले, इतना तुम वीडियो नहीं बनाई, तो मैं कहता कि मैं ना वीडियो नहीं बनाई, मैं उन्होंने को चीज़ें नहीं खरीदी, मैं कहा चलो कोई नहीं जिते सू मतलब वीडियो बनाने दे ज़्यादा देंगे, मैं उन्होंने को चीज़ें खरीद लवाना, तो मैं तो लत मार के भजे आया, क्योंकि मेरा काम है थोड़े को मैं वीडियो बनाई, थोड़ी मैं मशहूरी करनी है, तो मैं अपनी वीडियो बना के अपने व्यूज लेने पैसे कमाने, तो मैंने की लौड़ा मैं थोड़ा कमाई करवा के चले जाऊँ, तुम मैंने वीडियो नहीं बना दोगे, तो मैं उन्होंने छड़ के कितने और जाके वीडियो बना ली, तो जाके सोना अपना खरीद लिया थोड़ा बहुत हल्का दुखा, कोई गल नहीं तुम मेरी भैन भरा इदा ही करो, तो अपने चैनल ग्रो करा लिए, तुम भी इदा की वीडियो पाया करो पागला वर्गियाँ।
देखते हैं हम नुसर, अच्छा जी अब हम आगे देखते हैं नसरुल्ला की जो वो हरकाता है, मेरी भी जुबान खराब हो गई है। तो जो नसरुल्ला की अगली हरकतों पे हम लोग गौर करते हैं कि जी वो उठा के लाया है जी गाजर मटर आलू, उन्होंने पकाने थे तो उसमें धूम मचाई हुई थी, जैसे पता नहीं वो कौन सा जो बकरा वढ़ने लगा। गाजर मटर आलू लिया है जिसको हमने धो के जी वाश करके रख लिया है, तो ये देखिए अभी हमने इसको कटिंग करके रखे तो क्या सीन बना हुआ है, बात कोई मैच कर रही है, क्या सीन बना हुआ है, क्या मटर आलू गाजर ने कोई हरकत करनी शुरू कर दी थी जो सीन बनने लग गया था टोकरी में, गाने गाने लग गए थे, वो उठ के डांस करने लग गए थे, कुछ करने लग गए थे, वो जो कहता सीन बना हुआ है, ये देख रहे हैं अभी पक्की नहीं है तो सीन बना हुआ, वुड वुड के उसने दे दी थी, अब इसलिए कर रहा है ना आदमी ने तो यही काम करने हैं, घरेलू काम ही करने हैं। अच्छा जी जरा हम ये बाद में बात करते हैं घरेलू काम वाली, तो पहले मैं ये बात करती हूँ कि उसको किसी की वीडियो कॉल आई, तो कोई पता नहीं क्या था आगे भी मेरी वीडियो, मैंने तो उसको नहीं देखा, जब तक तो मैं उनकी वीडियो देख रही, मैंने तो भाई कितने नहीं देखिया, तो वो जी वीडियो कॉल आई हुई थी, तो वीडियो कॉल में बैठा जी से बहुत ऐसे बंदा, जिसका भी फोन आता है उसका काम है कि ये मैं आपको अटैच करके दिखाऊंगी, यहाँ पे एक तस्वीर जिसमें वीडियो कॉल पे लगा हुआ है, वो बंदा मैंने नहीं देखा, आप लोगों ने देखा तो मुझे आप जरूर बताना, उन्होंने कि किसी वीडियो में जानते हो, कहता है जी अक्सर मेरे घर भी आंदा हुआ तो मेरी ना वीडियो भी, तो इतना मतलब वो उन्होंने किसी को माफ़ नहीं करना, उन्होंने वैसे कहना नहीं चाहिए किसी मरदा भी हो, उन्होंने कहना रुक जाए कि मैंने वीडियो बना ली, मतलब अजीब हरकतें करते हैं, इनके वीडियो के अलावा कोई चीज़ ही नहीं। अच्छा जी अब दूसरी बात, ये जलेबी आई कहीं से, अदन भी बहुत शौकीन आते, पता नहीं अदन मुंडा की कुड़ी है वो, मैं भूल गई हूँ, तो जी वो जो छोटा बच्चा जियान है, बाबू जियान, बाबू पता नहीं जियान नहीं, जियान नहीं है, पता नहीं क्या उसका नाम है, मुझे याद था मैं भूल गई नाम उसका, इतने नहीं मुझे याद रहते क्योंकि इनका तो खानदान इतना वसीह और ईज फैला हुआ है, इतना बड़ा हम लोग प्लाट नहीं लेते जितना बड़ा इनका मतलब खानदान फैला हुआ है। अच्छा जी बाकी जी वो बच्चे बच्चे का कोई जिक्र किया जा रहा था, तो बच्चे ने, बच्चे शौक से टीवी भी बड़ा देखता है जी, माँ ने ये तीनों बैठे हुए हैं, बड़े भाई ने उसके गोदी में गोद में लिया, उसको फिक्र पड़ी है सर स्कूल कब जाना है, तो बहन को फिक्र पड़ी है पैसे लेके कितने जाएगा, तो मैं पैसे छुपा के अपने पास रखूंगी और फिर इसको दिया करूंगी, मतलब अपनी अपनी फिक्र हर कोई जाहिर कर रहा है, तो कोई टीवी टूवी की बात हुई तो माँ कहती हाँ ये भी बहुत गोड़ना टीवी देखता है, और है वो टीवी देखता है, चले वो तो बात हो गई है टीवी देखता है नहीं देखता है, माँ जी उसकी गाजरें पका रही थी, तो गाजर हम टेस्ट कर दे हैं, नसरुल्ला बिना गर्दन का आदमी कहता टेस्ट करके मुंह में पाई तो रखनी है, तेरी सीधी जगह पेट में गिरनी है, तेरी कौन सी गर्दन है जहाँ से होने में गुजरने में थोड़ा टाइम लगना है, तेरा तो सिंपल हिसाब है यहाँ रख ले तो सीधा, या पेट में रख ले, तेरा कोई हिसाब नहीं है, तू जहाँ मर्जी रख ले, क्योंकि डायरेक्ट ही उधर जानी है तो और तो कहीं जानी नहीं। अच्छा जी अगली बात क्या थी, अगली बात में ये कर रही थी, वो भाई साहब जब बैठे हैं टेस्ट वेस्ट करने के लिए अपने रोटी रोटी अपनी गाजर आलू मटर, तो बहुत सोने पके आ, तो पता नहीं रोटी भी क्यों ना देसी ना चौपड़ के उन्होंने देती, वो कुर्बानी देनी है ना इसलिए, तो नाल ही उन्होंने जलेबियाँ आ गई, तो जलेबियाँ तो खाण लग गए, तो बेटा भी मेरा खाण लग गया जलेबियाँ, तो मैं भी खाण लग गया वहाँ, तो नाले इदा हो गया कि पता नहीं की हो गया सी, हाँ कि गल छिड़ गई, तो गल च मेरी सुमहरा बेबी ने मैनू आ किया कि ना अपना छोटा मुंडा, मैंने छोटे मुंडे का नाम नहीं याद, नहीं तो मैं वो भी ले लेंदी, जो अपना छोटा मुंडा ना वो भी बहुत ज़्यादा मेरा, मैं गल हो रही सी कि मेरा जो वाला पुत्ता ना वो खाता वा बहुत शौकीन आ मिठे का, तो बहुत ही शौकीन आ, तो जो फिर नाल ही सुमेरा ने मैं दसिया कि मेरा जो छोटा मुंडा है ना वो भी बहुत ज़्यादा शौक नाल खाता वा, तो मिठिया चीज़ा उन्होंने भी बहुत पसंद आ, रोज़ाना तो लालीपॉप तो पता नहीं की बिथको, तो पता नहीं गालियाँ मच्छियाँ ही नहीं छड़ता, सारा दिन खाता पीता रहता वा, तो ना दे तो आप गली निकल के जाके खाने पीने लग जाता वा, हाय हाय तो मैं ना जरा बुखार हो गया, तो मेरे मुंडे ने, मुंडा गया, मुंडा 4 रुपये प्लेटा बन, अच्छा मुंडा गया अज बाजू भी खड़ी की हुई है, जाके उसने पकड़ा हम तो हौला हो गया वो, कहती माँ कहती छोटा डॉक्टर चेक भी करेगा, मतलब वो बच्चे वो वीडियो भी दे देते हैं, बच्चा वीडियो भी बना रहा है, बच्चा बुखार भी वो चेक कर रहा है, वो बच्चा नहीं पता नहीं कि शह पढ़ना उसको आता कोई नहीं है, वो अड़ी जा रहा था अड़ी जा रहा था, तो वो कहता नसरुल्ला वीर बिना गर्दन का आदमी, पुत मेरे को पूछ ला, तो पुत ने पूछिया, तो पुत ने फिर दसिया कि पुत डगरा जहला गल एडी तेरी जुबान है, एडी एडी जुबान है तेरी, तो सब कुछ आ तेरे मतलब अकलां तेन दुनिया जहान दियाँ वा, एडा मतलब तू जबान चला वा, तो तेनों आ नहीं पता कि पढ़ना की है, तो हर ही दुनिया का उन्होंने पता उस वह ये कि पढ़ना मैं किदा वा, पढ़न च मामले च अड़ी जाता वो, उन्होंने भाई स्कूल पाओ, उन्होंने पढ़न से ध्यान दो, तुम वीडियो बनाने काम तो उन्हें यही कहना, पर थोड़ा बहुत पढ़ा लो अपने जोगा हो जाए, फिलहाल इन्होंने तो यही इन्होंने तो यही सब करते रहना है, तो आप लोग मुझे दीजिए इजाजत, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, आपके दोस्त मधुरी।